नमस्कार, स्वागत है आपका मनी टाइम में, जहां मिलती है आपको आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वेलकम टू मनी नाइन, मैं हूं मीनू शर्मा। आपको बताऊंगी बिजनेस, कॉर्पोरेट, पर्सनल फाइनेंस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी और वीवो भारत में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनियां बन गई हैं। जून तिमाही से पहले कोरियाई स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग भारत में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेच रही थी, लेकिन अब सैमसंग तीसरे स्थान पर खिसक गई है। जून तिमाही के दौरान भारत में जितने स्मार्टफोन बिके उसमें 18% हिस्सेदारी शाओमी और वीवो की रही, जबकि सैमसंग की हिस्सेदारी घटकर 17% पर आ गई है। देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अदानी जल्द ही इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में एंट्री ले सकते हैं। खबर है कि अदानी आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस को खरीद सकते हैं। फिलहाल इस टीम की ओनर प्राइवेट इक्विटी फर्म सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स है। सीवीसी कैपिटल गुजरात टाइटंस में कंट्रोलिंग स्टेक बेचने की तैयारी में है। इसके लिए वे अदानी ग्रुप और टोरेंट ग्रुप के साथ बातचीत कर रही है। बता दें कि बीसीसीआई ने टीमों को बेचने के लिए लॉक इन पीरियड की शर्त लगा रखी है। ये समय सीमा फरवरी 2025 में खत्म हो जाएगी, जिसके बाद ही नई टीमें हिस्सेदारी बेच सकती हैं। 3 साल पुरानी फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस की वैल्यू $1 अरब से $1.5 अरब के बीच हो सकती है। सीवीसी ने गुजरात टाइटंस को साल 2021 में 5,625 करोड़ रुपए में खरीदा था। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की रोक के कारण उसके बिजनेस पर असर दिख रहा है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर कंपनी का घाटा 134% बढ़कर 839 करोड़ रुपए हो गया। पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 की समान तिमाही में घाटा 357 करोड़ रुपए था। कंपनी का घाटा बढ़ गया है। कंपनी के रेवेन्यू यानी आय में भी गिरावट आई है। पेटीएम का ऑपरेशन से रेवेन्यू 2342 करोड़ रुपए से घटकर 1502 करोड़ रुपए रहा। पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 36% गिर गया। माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट एज़ूर में आज सुबह आई खराबी का असर भारत और दुनिया भर पर दिखाई दिया। माइक्रोसॉफ्ट की इस गड़बड़ी का असर हवाई यातायात, शेयर बाजार और बैंकों से लेकर टीवी चैनलों के प्रसारण पर दिखा। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे कई देशों में 1,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई। वहीं 3,000 विमानों ने देरी से उड़ान भरी। सबसे बड़ी भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एज़ूर में खराबी की वजह से एयरपोर्ट्स और संपर्क केंद्रों पर वेटिंग टाइम बढ़ गया। दुनिया भर के हवाई अड्डों पर चेक इन और इमिग्रेशन का काम ठप पड़ गया। गड़बड़ी का असर बैंकिंग सेवाओं पर भी पड़ा। हालांकि देश का सबसे बड़ा बैंक SBI इस टेक्निकल ग्लिच से दूर रहा। यहां रोजाना की तरह काम चलता रहा। इतना ही नहीं, दुनिया भर के कई अस्पतालों में सर्जरी तक रोकनी पड़ी। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि क्लाउड सेवाओं की खराबी को दूर कर लिया गया है। टाटा समूह की कंपनी एयर इंडिया ने निश्चित अवधि के अनुबंध यानी FTC पर काम कर रहे गैर उड़ान सेवा से जुड़े लगभग 300 कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। इन कर्मचारियों के अनुबंध का नवीनीकरण होने की संभावना सीमित है। विस्तारक के साथ विलय की तैयारी में ये कर्मचारी कंपनी में कोई भूमिका हासिल करने में विफल रहे हैं। मामलों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एयर इंडिया के विभिन्न विभागों में 10 से 15 साल से काम कर रहे इन कर्मचारियों का अनुबंध अब तक बढ़ता रहा है। उनका कहना है कि कर्मचारियों को फिटमेंट के दौरान कोई काम नहीं सौंपा गया। ये कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए उनके अनुबंध का नवीनीकरण किए जाने की संभावना नहीं है। वहीं एक अन्य सूत्र ने कहा कि ऐसे कर्मचारी जिनके अनुबंध का संभवतः नवीनीकरण नहीं होगा, उनकी संख्या लगभग 300 है। बजट से पहले भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बीते 6 दिन की तेजी शुक्रवार को थम गई और सोना 750 रुपये घटकर 75,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार चांदी की कीमतें भी 1,000 रुपये की गिरावट के साथ 93,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले सत्र में ये 94,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। कारोबारियों के अनुसार सोने की कीमतों में गिरावट का कारण विदेशी बाजारों में कमजोरी के रुख और देश में आभूषण विक्रेताओं की कमजोर मांग है। प्रोविडेंट फंड क्लेम से जुड़े मामलों में देरी को लेकर आलोचना झेल रहे EPFO ने अब तय किया है कि सब्सक्राइबर्स के लिए स्थानीय भाषाओं में 24 घंटे कॉल सेंटर की सुविधा दी जाएगी और क्लेम से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा किया जाएगा। देशभर में EPFO के करीब 7 करोड़ कस्टमर्स हैं और उन सभी को शिकायतों के निपटारे के लिए स्थानीय भाषा में कॉल सेंटर की सुविधा दी जाएगी।
अमेरिका की मौसम एजेंसी नोवा ने अनुमान लगाया है कि 2024 का साल गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ेगा और अब तक का सबसे गर्म साल रह सकता है। नोवा में जनवरी से जून के दौरान दुनिया भर के वैश्विक तापमान के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें यह अनुमान लगाया है कि इस साल जनवरी से जून के दौरान भारत सहित दुनिया भर में अधिकतर समय तापमान सामान्य के मुकाबले ज्यादा दर्ज किया गया है। देश की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स पर साइबर हमला हुआ है और एक्सचेंज से करीब 23 करोड़ डॉलर की डिजिटल एसेट चोरी हो गई है। एक्सचेंज की तरफ से इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी गई है। वजीरेक्स उन चुनिंदा क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ पंजीकृत है और भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है। सब्जियों की महंगाई झेल रहे आम लोगों को आलू की महंगाई से जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रमुख आलू उत्पादक राज्यों यानी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस साल गर्मी के मौसम में फसल को नुकसान हुआ है, जिस वजह से उपज पर असर पड़ने की आशंका है। इस वजह से मंडियों में आलू की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। बीते जून के दौरान देश में आलू की थोक महंगाई दर 66.37% दर्ज की गई और इसमें जल्द कमी आने की संभावना कम नजर आ रही है। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख और घरेलू स्तर पर चार दिनों की रिकॉर्ड तेजी के बाद मुनाफा वसूली हावी होने से शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स 739 अंक नीचे चला गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आई गिरावट ने भी बाजार को नीचे लाने का काम किया। शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स 738.81 अंक टूटकर 80,604.65 पर बंद हुआ। हालांकि शुरुआती कारोबार में यह 81,587.76 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली के दबाव में यह टूट गया। सेंसेक्स ने गुरुवार को पहली बार 81,000 अंक का आंकड़ा छुआ था। शुक्रवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 269.95 अंक की गिरावट के साथ 24,530.90 पर बंद हुआ। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 9.69 अरब डॉलर बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस समय देश का विदेशी मुद्रा भंडार 666.85 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इसे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 5.158 अरब डॉलर बढ़कर 657.155 अरब डॉलर हो गया था। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में करेंसी का मूल्य 585.47 अरब डॉलर हो गया। वहीं रिजर्व बैंक का गोल्ड 1.231 अरब डॉलर बढ़कर 58.663 अरब डॉलर हो गया। इसके साथ ही स्पेशल ड्रोइंग राइट्स यानी SDR 76 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 18.111 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी नाइन के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।